बेगूसराय बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। बेगूसराय जिला गंगा नदी के उत्तरी किनारे वहाँ की ओर बसा हुआ है। इस जिले के नाम को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि भागलपुर की महारानी तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा नदी किनारे आया करती थी और लगभग यहाँ पर महीनों रहती थी। उस जगह को आज के समय में सिमरिया घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि बेगूसराय जिला में मौजूद है। यह वही बेगूसराय जिला है जहाँ पर हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। बेगूसराय जिला पहले मुंगेर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1972 में बेगूसराय को मुंगेर से अलग कर एक नए जिले के रूप में गठित किया गया। आज के समय में बेगूसराय एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। बेगूसराय में मुख्य रूप से तीन बड़े उद्योग मौजूद हैं। पहला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, दूसरा हिंदुस्तान यूरिया लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा बरौनी जिला में और भी कई सारे छोटे बड़े उद्योग विकसित हो रहे हैं, जो बेगूसराय को एक औद्योगिक शहर बनाने के प्रयास में है। दोस्तों, लगभग 1918 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले बेगूसराय जिला की कुल आबादी 29,70,000 है। बलान नदी, चंद्रभागा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, गंगा नदी बेगूसराय जिला की प्रमुख नदियां हैं। इन तमाम नदियों के किनारे पर बसा बेगूसराय जिला बिहार की राजधानी पटना से 127 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन के दृष्टिकोण से बेगूसराय जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। बेगूसराय जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बरौनी रेलवे जंक्शन है और यह जंक्शन बिहार का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों की सूची में आता है। बरौनी जंक्शन का स्टेशन कोड BJU है और बरौनी जंक्शन में 9 प्लेटफॉर्म तथा 15 ट्रैक मौजूद है। बरौनी जंक्शन भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल है। बरौनी जंक्शन मोकामा बरौनी सेक्शन, बरौनी कटिहार सरसा पूर्णिया सेक्शन, बरौनी गुवाहाटी लाइन, बरौनी गोरखपुर लाइन पर स्थित है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। बरौनी रेलवे स्टेशन के माध्यम से कामाख्या एक्सप्रेस, अम्रपाली एक्सप्रेस, वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से चलती है, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। बेगूसराय जिला सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग कई बड़े जिलों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 31, नेशनल हाईवे संख्या 28 जो कि बेगूसराय को समस्तीपुर से जोड़ता है और नेशनल हाईवे संख्या 80 जो कि बेगूसराय को लखीसराय से जोड़ता है। ये सभी नेशनल हाईवे संख्या बेगूसराय जिला के माध्यम से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा बेगूसराय बस स्टैंड के माध्यम से लखीसराय, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया आदि बड़े जिलों तक नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, वायु मार्ग। वैसे तो दोस्तों बेगूसराय जिला में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, परंतु यहाँ का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट पटना का है, जो कि यहाँ से 133 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बेगूसराय जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बेगूसराय जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से खास घूमने का स्थान है जो कि बेगूसराय जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर एक, कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय के मुख्य खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग इसे कांवर ताल, कनवार ताल भी कहते हैं। यह झील जिला मुख्यालय बेगूसराय से 22 किलोमीटर उत्तर बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस झील के आसपास की नम भूमि को पश्चिम बिहार का दर्जा प्राप्त है। बिहार वन विभाग के अनुसार इसे पश्चिम बिहार का दर्जा सन 1989 में दिया गया था। यह कांवर झील 63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा प्रवासी पक्षी इस झील के पास आते हैं, परंतु धीरे धीरे यह झील पानी की कमी से सूख रहा है।
सरकारी योजनाओं के पारित होने के बाद भी यहाँ पर संकट की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ झील पर निर्मल स्थानीय मल्लाहों का भी रोजगार संकट में पड़ा हुआ है। आज भी यह झील खूबसूरती के साथ लोगों को आनंदित करती है। कांवर झील बेगूसराय जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, बेगूसराय संग्रहालय। यह संग्रहालय बेगूसराय के पुराने संग्रहालय में से एक है। इस संग्रहालय की स्थापना 1981 में हुई थी। यह शहर का सबसे अच्छा केंद्र है, जहां पर आपको इतिहास से जुड़ी कई सारी प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएगी। इस पुराने संग्रहालय में पाल वंश तथा मौर्य साम्राज्य के काल चलने वाले सिक्के भी देखने को आपको मिल जाएंगे। बेगूसराय प्राचीन वास्तुकला का यह संग्रहालय बेहद ही खूबसूरत है। नंबर तीन, नौलखा मंदिर। दोस्तों, आप बेगूसराय आ रहे हैं तो नौलखा मंदिर जाना ना भूलिएगा। शहर के मध्य में स्थित नौलखा मंदिर काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महंत डियर दास द्वारा किया गया था। बेगूसराय का नौलखा मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। नंबर चार, जयमंगलागढ़। कांवर झील के नजदीक में एक मंदिर है जिसे जयमंगलागढ़ के नाम से जाना जाता है। यह जयमंगलागढ़ बेगूसराय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण पाल वंश के दौरान हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा बेगूसराय जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो बेगूसराय जिला की साक्षरता दर 59% है, यानी कि बेगूसराय जिला में 59% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम अयोध्या मेमोरियल कॉलेज बरौनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, RBS कॉलेज, SK महिला कॉलेज, श्री फेकू महतो संस्कृत कॉलेज, ये सभी स्कूल व कॉलेज बेगूसराय जिला में मौजूद हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो बेगूसराय जिला की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ के मुख्य फसलों में तिलहन, लाल मिर्च, टमाटर और रेपसीड मौजूद है। इसके अलावा बेगूसराय जिला लीची, आम, अमरूद और केला जैसे तमाम फलों के उत्पादन में काफी ज्यादा योगदान देता है। यहाँ पर ये फल काफी भारी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ के उद्योगों में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन बड़े उद्योग मौजूद है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो इस तेल शोधक कारखाने को 1964 में रूस और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काफी ज्यादा मजदूर काम करते हैं, जिनको रोजगार प्राप्त किया जाता है। आज के समय में यहाँ पर तुलसी के पत्ते और मोती की जो खेती है वो भी की जाती है। मोती की खेती काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है बेगूसराय में। अगर आप भी वहां पर हैं तो इसका क्या संदर्भ है वो आप नीचे में कमेंट कर बताइएगा। बाकी दोस्तों, बिहार राज्य में स्थित बेगूसराय जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।